नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौकट। कार और रोडवेज बस की आमने सामने से भिड़ंत। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भडरिया चौराहे पर सुबह लगभग 8 बजे कार और रोडवेज बस की आमने सामने की भिड़ंत में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज डुमरियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेवा में चल रहा है, जहाँ उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। घटना उस वक्त की हुई जब बासी थाना क्षेत्र के महोखवा स्टेट बैंक के मैनेजर प्रिंदेश कुमार अपने घर लखीमपुर खीरी से सोमवार की सुबह अपनी निजी स्विफ्ट कार से वापस आ रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी और 7 वर्षीय उनका पुत्र भी था। उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को उनका ड्राइवर चला रहा था। सोमवार की सुबह जब वे लोग डुमरियागंज के भडरिया चौराहे पर पहुंचे, तो डुमरियागंज की ओर से आ रही बलरामपुर डिपो की सरकारी बस से इनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज़ सुन करके इकट्ठा हो गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी कार से इन लोगों को बाहर निकाला और बुरी तरह से घायल गाड़ी के ड्राइवर, उनकी पत्नी, 7 वर्षीय बेटे को तत्काल बेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस घटना में बैंक मैनेजर वृंदेश कुमार को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, वह स्वस्थ हैं, जबकि बाकी तीनों घायलों की चिंताजनक हालत देखते हुए उन्हें उच्च चिकित्सा के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस घटना के बाद सरकारी बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बस छोड़कर के मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। हाँ सर, भड़रिया में एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे में पेशेंट आए थे, मामला क्या था और जो है हालत कैसी है उन लोगों की भी? भड़रिया में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग यहाँ आए थे, 3 की हालत थोड़ा क्रिटिकल है, उनको इलाज करके जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है, 1 ठीक ठाक है और बाकी 3 की हालत थोड़ा सा ज्यादा चोटिल है, हेड इंजरी है।